देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन, शरद सर्वरी नाथ मुखो शरद सरोनयन। श्याम और गर्वण के सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण सोलहवा विश्राम, नवाह परायण चौथा विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, असुमिक कहो को आहे तुम्हारे। सुनिम सनेह मैं अंजुल बानी, सकुची असिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तू अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को जलाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुह सकोच सकुचत बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच भर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से मुस्कुरा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत वाली और कोकिला सी बाणी वाली सीता जी सचा कर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितय भौं कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख से आंचल से ढककर और प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भव्य टेढ़ी करके। खंजन मंजु तिरीछे नैनिन, निज पति कहो तिन्ह सिय सैनिन। भय मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कहे राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेतों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती इसिया इस प्रकार से आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राश लूट ली हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। अति सप्रेम सिय पाय परे, बहुविध देह असीस। सदा सुहागन हो तुम जब लग मैं असीस। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम प्रतिप्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो यही मार्ग फिरहे बहोरी। और पार्वती जी के समान आपके पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़ का विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। परसन देव जान नित दासी, लखसी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कह कह पर तोसी, जन कुमुदन को मुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिला करके पुष्ट कर दिया हो। आराम से बैठो, सुनो, हाथ जोर के बैठो, हाथ जोर के, हाँ बैठो, हम सुना रहे हैं, सुनो।
तबहिं लखन रघुबर रूप जानी, तबहिं लखन रघुबर रुख जानी, अपीछो मृग लोगन पदुबानी। सुनत नारे मर भये दुखारी, अपुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोध सुगम मगु तिन के दीना। उनका आनंद मिट गया और ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गत समझ में उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर मन सब होय सुखारे सिया रामा। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फिर सब प्रिय बचन कह लिए लाए मन साथ। अरे मैं सो गए। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मानो अपने साथ ही लगा लिया। तीरथ नारी नरे अति पछताई, अदय है दूस देह मन पाई। सहित विषाद परस पर कहई, अभिध करवत उलते सब यही। दौड़ते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, अजय ससी कीन सरुज सक संकु। रुख कलपतरु सागर खारा, ते पटे बन राजकुमारा।